सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी हो रही है, जल निगम भर्ती घोटाले में ये पेशी हो रही है। सीतापुर जेल से लखनऊ पहुंचे सपा नेता आजम खान। सीतापुर जेल में 26 महीने से बंद है आजम खान। करीब करीब 87 से 88 मुकदमे दर्ज है आजम खान के खिलाफ और अभी एक केस बचा हुआ है जिसमें जमानत नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं, जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त ये हम आपको आजम खान की दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के साथ इस वक्त आजम खान लखनऊ पहुंचे हैं, कोर्ट में पेशी हो रही है। साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस घोटाले के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में घोटाले का आरोप लगाया आजम खान पर, जिस मामले में आज आजम खान की पेशी हो रही है। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर आपको बता दें, जल निगम भर्ती घोटाले में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजम खान की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अजीत क्या कुछ अपडेट है, अभी सुनवाई चल रही है? ये तस्वीरें हमारे आप दिखा रहे हैं, आपको बता दें आजम खान देखिए काला चश्मा लगाकर पहुंचे हुए हैं, पहले की तरह उनका अंदाज आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ से सुपर एक्सक्लूसिव। बिल्कुल अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत क्या हलचल वहां पर, जरा बताइए अभी। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, कोर्ट के अंदर, सीबीआई कोर्ट के अंदर आजम खान के मसले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई के जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, इसके अलावा आजम खान के वकील मौके पर मौजूद हैं। कोर्ट बैठ चुकी है, सीबीआई कोर्ट पर सुनवाई चल रही है। और अभी भी देखिए पीछे जो यहाँ के बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो सुनवाई चल रही है पूरे मामले की। और लगातार अगर आप देखें तो आजम खान का जो मसला 2017 जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब का मसला था, 1300 इंजीनियरों की भर्ती का मामला था। एसआईटी ने एफआईआर किया था, फिर चार्जशीट दाखिल हुई, दर्जन भर इंजीनियर भी इसकी चपेट में है। इस चार्जशीट में कई सारे लोगों का नाम है। 201 साक्ष्य मिटाने की धारा लगाई गई है कि भर्ती किया आपने और उसके बाद दस्तावेज को गायब कर दिया, सीबीआई को या एसआईटी को आपने सही साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए। 419-20 यानी आपने धोखाधड़ी की, धोखाधड़ी करके आपने ये भर्ती किया। 467-68 और 71 यानी कूट रचित दस्तावेज आपने तैयार किया और उसके बाद इस पूरी बड़ी भर्ती को अंजाम दिया। योगी सरकार ने सीबीआई को रिकमेंड किया था, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, सीबीआई के कई अधिकारी भी पहुंचे। और देखिए इसी गेट के जहां ठीक पीछे, जहां पर आप दूर देखेंगे, इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है कांचा, लेकिन अंदर सुनवाई चल रही, वहां भी पुलिस फोर्स के तैनात है, सीबीआई के अधिकारी हैं, आजम खान के वकील हैं, सभी लोग अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने चार्जशीट चूंकि दाखिल कर दी है, चार्जशीट में आजम खान को आरोपी बनाया गया है, तो अब इस पर फैसला होगा कि जो आरोप सीबीआई ने लगाया था, जो चार्जशीट में पुलिस ने लगाया था, वो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। कोर्ट आज इस पर यह बात तय करेगा कि आजम खान पर कौन से चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, यानी आरोप तय किए जाते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, जो गिरीश यादव हैं, जो इंजीनियर थे वो भी उसमें नेम्ड हैं, उनको क्या सजा दी जाती है, उनके ऊपर कौन से आरोप तय होते हैं, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए उनको क्या सजा, कौन सी धारा में आरोप तय होगा, इसको भी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया, उसी मामले में उनकी पेशी है। अजीत, जब ये कार्रवाई कोर्ट की पूरी हो जाएगी, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी अजीत कोर्ट की, तो क्या सीबीआई की तरफ से ब्रीफिंग मिलेगी या सीबीआई के जो वकील है वो जानकारी देंगे पत्रकारों को? देखिए बिल्कुल, जब ये को ब्रीफिंग हो जाएगी तो जो अधिवक्ता हैं सरकारी वो भी ब्रीफिंग करेंगे या उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आजम खान के जो अधिवक्ता हैं उनसे भी बात की जाएगी कि आखिर क्या मसला है, कौन से आरोप तय हुए, किस तरह से ये इन्होंने अपनी दलील ली, सीबीआई ने अपनी दलील ली, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल करता है वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत करता है और उसके बाद ये चार्ज फ्रेम होने की बात, अगर चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद सीबीआई की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज हमेशा आती है। खैर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है, उनकी तरफ से सिर्फ जो है प्रेस रिलीज आती है। चूंकि आज मसला कोर्ट का है तो कोर्ट के पीआर अगर बात करेंगे तो उनसे बात होगी, अन्यथा आजम खान के वकील और सरकारी वकील जो सीबीआई की तरफ से पक्ष रखते हैं वो ये बात बताएंगे कि आखिर आज अदालत में क्या हुआ। जो तस्वीरें आजम खान की सामने आई हैं पेशी के दौरान की, हालांकि भारी सुरक्षा के बीच उन्हें ले जाया गया है, लेकिन उनका जो अंदाज है वो पहले की तरह ही नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभी के लिए अजीत आपका, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पेशी इस वक्त हो रही है, आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा।